क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है आप परफेक्ट एंट्री का वेट करते हो अपना स्टॉप लॉस लगाते हो टारगेट लगाते हो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर उसके तुरंत बाद आपका टारगेट हिट हो जाता है वो भी बहुत फास्ट तेजी से इस ट्रेड में सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बल्कि आपका प्रॉफिट जो होने वाला था वो भी आपका चला गया तो चलो आज हम सीखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस सही तरीके से लगा सकते हो और इस तरीके से होने वाले नुकसान से बच सकते हो तो चलो शुरू करते हैं देखो ये दो तरीके के ट्रेडर होते हैं एक होता है नया ट्रेडर एक होता प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस होता है तो दोनों ने ही यहाँ एंट्री का प्लान किया पर न्यू ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाया स्विंग लो पे और प्रोफेशनल ट्रेडर ने बहुत ही सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाया जो मैं आपको समझाऊंगा आगे की किस तरीके से उसने स्टॉप लॉस लगाया तो चलो देखते हैं कि इन दोनों के साथ इस ट्रेड के अंदर क्या होता है किस तरीके से ट्रेड में आगे बढ़ने पर न्यू ट्रेडर का देखो क्या हाल हुआ उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि उसने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया था और प्रोफेशनल ट्रेडर ने बहुत ही सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाया था तो देखो उसका टारगेट हिट हो गया देखो यहाँ पे हुआ क्या इसका स्टॉप लॉस हो गया तो इसका क्या लॉस हुआ इसका ये इतना लॉस हो गया ना और वहीं देखो प्रोफेशनल ट्रेडर ने अगर अच्छे से स्टॉप लॉस लगाया तो जो उसको लॉस होने वाला था उसकी जगह उसको कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो गया तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को अच्छे से सीखने वाले हैं तो क्या है वो मिस्टीरियस इंडिकेटर जिसको हमें यूज लेना है तो सबसे पहले इंडिकेटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं ए टी आर एवरेज ट्रू रेंज ठीक है तो ए टी आर होता क्या है इसको कैसे यूज़ करना है और इसको क्यों यूज़ करना है ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे है ना इसका यूज़ देखे कैसे आप करेक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो और बड़ा प्रॉफ़िट बना सकते हो और स्टॉप लॉस से बच सकते हो तो चलो सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं कि ए टी आर होता क्या है तो ए टी आर होता क्या है ए टी आर बेसिकली पास्ट जो चौदह कैंडल्स हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इन चौदह कैंडल्स का एवरेज क्या साइज है ये हमको ये बाई डिफॉल्ट बताता है ठीक है देखो ये यहाँ पे इस कैंडल के इस जैसे जिस भी कैंडल पे आप लाओगे उससे पिछली चौदह कैंडल की ये एवरेज साइज बताएगा ठीक है अब ये इसकी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि ये फोर्टीन कैंडल की बता रहा है आप यहाँ पे पाँच कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे पचास कर सकते हो पर आपको यहाँ पे करना क्या है आपको बेसिकली इसको फोर्टीन ही रखना है यही इसकी बेस्ट सेटिंग्स रहती है ठीक है अब ये करेगा क्या ये आपको किसी भी कैंडल से पिछले चौदह कैंडल की जो एवरेज साइज बताएगा तो ये आपको सिंपल एक लाइन चार्ट यहाँ पर बना के देगा ठीक है ये लाइन चार्ट जो आपको दिख रहा है देखो तो ये पर्टिकुलर इस कैंडल से पिछले अगर आप फोटीन कैंडल की अगर साइज़ देखो तो ये बता रहा है कि वो साइज है ट्वेंटी पॉइंट नाइन टू ठीक है ये इस तरीके से काम करेगा अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ये ए टी आर वगैरह को यूज़ ही क्यों करूँ मैं तो जब भी जो भी स्विंग होगा उसके मैं तो दस डॉलर नीचे कर लूँगा मैं तो दस रुपये नीचे लगा लूँगा दस पॉइंट नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँगा मैं तो पर देखो इस तरीके से ये काम नहीं करता है है ना अगर आप हर स्टॉक में इस तरीके से देखोगे कि स्विंग के मैं दस पॉइंट नीचे लगा लूंगा तो ये काम नहीं करेगा ये निफ्टी फिफ्टी है इसमें अगर आपने दस पॉइंट नीचे लगाया ये पाँच मिनट का टाइम फ्रेम है आप पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम लो है ना वहाँ पर ए बदल जाएगा वहाँ पे हर कैंडल की साइज बदल गई है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बदल गई है आप निफ्टी फिफ्टी की जगह अगर बिटकॉइन लोगे तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा होगी और आपका स्टॉप लॉस और बड़ा आना चाहिए ठीक है तो आप ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ दस दस पॉइंट नीचे लगा लूंगा क्योंकि हर स्टॉक के लिए ये डिफरेंट होता है अब यहाँ आप इसकी जगह ले लो एच बैंक ठीक है तो एच की वॉलेटिलिटी बहुत अलग होगी जबकि निफ्टी फिफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग होगी ठीक है हर स्टॉक में ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है अब आप एच का अगर वॉलेटिलिटी देख रहे हो तो ये है चार अब यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप यहीं पर टाइम फ्रेम बदल दोगे तो फिर भी इसकी देखो फिर इसकी एवरेज साइज आ रही है वो है दो ठीक है तो आप इफेक्टिव अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको ए यूज़ करना पड़ेगा आप कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि हर टाइम फ्रेम का अलग होता है स्टॉप लॉस हर टाइम फ्रेम पे अलग होगा ठीक है अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस देखोगे तो वो थोड़ा बड़ा आएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कम आएगा और एक मिनट पे देखोगे तो और कम आएगा ठीक है अब ये है ना असैट क्लास पे भी डिपेंड करता है अगर कोई ब्लू चिप स्टॉक है तो उसके अंदर स्टॉप लॉस कम रहेगा जबकि क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी कम रहेगी इंडेक्स में देखोगे तो वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा और अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में देखोगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आएगा तो हर जगह आपका दस पॉइंट नीचे वाला स्टॉप लॉस कभी भी काम नहीं करेगा इसलिए हमको एटीआर का यूज़ करना होता है परफेक्ट स्टॉप लॉस और इफेक्टिव स्टॉप लॉस लगाने के लिए सो ए टी बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा जो लॉस होने वाला है ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने से या ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस लगाने से उसमें हमारा बचाव करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हमको देता है तो इसलिए हमारे एक्स्ट्रा मनी को वेस्ट करने से बचाने के लिए हमको ए यूज़ करना है अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है वो क्या है कि जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा ठीक है ए की वैल्यू उस कर्सर से पिछले फोर्टीन कैंडल की वैल्यू दिखाएगी ठीक है तो आपको ए का रीडिंग करते टाइम है, है न बिल्कुल फिक्स जहाँ से आपको देखो यहाँ के तो यहाँ पे ही आपको कर्सर को रखना है और इस वैल्यू को देखना है ठीक है अब आप स्टॉप लॉस कहाँ पुट करोगे जैसे आपका रिसेंट स्विंग लो है ये ठीक है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ करना है इस कैंडल पर गए ए टी आर टू पॉइंट टू सेवन है ये वैल्यू है सोलह सौ तिहत्तर ठीक है तो आपको स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए सोलह सौ तिहत्तर माइनस टू पॉइंट टू सेवन यहाँ पे ठीक है तो अब आगे से आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी आपकी कोई भी स्ट्रेटर्जी है ए आपको कोई स्ट्रेटर्जी नहीं दे रहा है ठीक है ये आपको डेफिनेट ये नहीं बता रहा है कि यहाँ बाय करना है और यहाँ सेल करना है ये सिर्फ आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहा है कि जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसको करेक्ट स्टॉप लॉस को करेक्ट लगा सको ठीक है ये कोई आपको बाय या सेल सिग्नल नहीं दे रहा है कि आप यहाँ खरीदो और यहाँ बेचो ठीक है तो ए को आपको, आपको आपकी स्ट्रेटर्जी के साथ कंबाइन करना है ठीक है आपकी कोई भी स्ट्रैटर्जी हो चाहे आप प्राइस एक्शन सिंपल देख रहे हो तो उसके साथ कंबाइन करो आप अगर किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हो आपके लिए वही बेस्ट परफॉर्म करता है तो आप उसके साथ यूज़ करो ठीक है हर किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है ठीक है तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस ए लगा लिया हमने अब हर बार स्विंग लो के नीचे ए लगा लेंगे और बाय सेल करते रहेंगे और प्रॉफिट बन जाएगा ये मार्केट इस तरीके से वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है आपको ए सिर्फ आपकी स्ट्रेटर्जी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए काम में लेना है ठीक है आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बेस पर ट्रेडिंग करना चालू कर दो ठीक है तो अब आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिला कि कैसे स्टॉप लॉस को ज़्यादा एक्यूरेटली लगाया जा सकता है और अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो आप खुद बैक टेस्ट करके देख लो जब भी आपको स्टॉप लॉस हुआ है तो अगर आपने ए का यूज़ किया होता तो आपको कितना बेनिफिट इसका हो सकता था ठीक है अब अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो है ना और चैनल पे तो आप बने हुए होंगे है ना ये मेरे एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट जो वीडियोस थे उसकी सीरीज़ का दूसरा वीडियो था एक हमने ब्रेकआउट पे वीडियो बनाया था कि कैसे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें तो इस वीडियो का लाइक like टारगेट हम रखते हैं 200 ठीक है लाइक like टारगेट 200 रहेगा और कमेंट टारगेट रहेगा दो तो आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना आप इसका दो लाइक like और दो कमेंट का टारगेट कम्प्लीट कराओ और फिर हम तीसरा वीडियो इस सीरीज के अंदर अपलोड कर देंगे